Hello friends, welcome to Diploma with Sono. This is Sono here, and in this video we will discuss about Unit Five Traffic Engineering. In the previous lecture we have discussed about Rotary Island or Island types. So in this video we will start from Road Intersection. Firstly we will understand about what is Road Intersection, then दे टाइप्स एज ग्रेड एंड इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन एट ग्रेड ऐसे करके इसका दो टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे फर्स्टली हम लोग समझेंगे कि रोड इंटरसेक्शन होता है क्या तो देखिए एन इंटरसेक्शन इज द एरिया शेड बाय द ज्वाइनिंग और क्रॉसिंग ऑफ टू और मोर रोड्स इंटरसेक्शन क्या होता है के एरिया होता है जब कोई दो रोड जॉइन करता है इट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेजर कॉन्फ्लिक्टिसाइड अ पॉइंट ऑफ डिसीजन मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है मतलब बोलने का मतलब इंटरसेक्शन जहाँ पे रोड दो मिल रहे हैं ताकि समझ सकते हैं कुछ ऐसे रोड बना हुआ है अंडर पास रोड है ठीक है एक रोड नीचे से जा रहा है एक रोड ऊपर से जा रहा है ऐसे एक मतलब हाईवे टाइप में ऊपर में बना हुआ है और ये रोड अंडर पास की तरह जा रहा है दिखाते हैं हम आपको फिगर दिखाते हैं उसके बाद समझिएगा देखिए जैसे अंडर पास ये है तो यहाँ पे ये रोड जो है एक रोड इधर जा रहा है एक रोड ऊपर से ऐसे करके यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी हो सकता है या रोड भी हो सकता है तो इस तरह से अगर रहता है तो ऐसे अगर दो रोड ज्वाइन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन तो सबसे फाइल फर्स्टली यहाँ पे हम लोग समझे होंगे देखिए दीज कॉन्फ्लिक्ट मे बी ड्यू टू द क्रॉसिंग मैन्यवर ऑफ वहीकल मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्सन ये सब जो कॉन्क्री कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जैसे ये रोड इधर से आ रहा है ठीक है एक रोड इधर से ज्वाइन हुआ है तो यहाँ पर जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना कि ये रोड इधर से यहाँ से कार जा रही है इधर से कार आ रही है तो कभी यहाँ पर एकडेंट वगैरह हो जाए तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं तो यहाँ पर इस क्रॉसिंग के पास में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो दे आर मेनली टू टाइप्स देखिए जो इंटरसेक्शन होते हैं रोड इंटरसेक्शन जैसे आप समझ गए कि इंटरसेक्शन क्या होता है जहाँ एक ऐसा एरिया जहाँ पे दो रोड या दो से ज़्यादा रोड मिल सके तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन देखिए मेनली इंटरसेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है सबसे सब फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन सेकेंड को बोलेंगे एट ग्रेड इंटरसेक्शन अब देखिए सबसे सब फर्स्टली हम लोग समझेंगे ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन देखिए ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन क्या होता है दिस आर द इंटरसेक्शन एट विच द व्हीकल क्रॉस एट डिफरेंट लेवल्स ये एक ऐसा इंटरसेक्शन होता है कि जिस पे व्हीकल क्रॉस करता है डिफरेंट लेवल पे मतलब हाइट पे कि जैसे एक रोड नीचे से गया था अंडर पास जो हम अभी आपको दिखाएं तो अंडर पास एक है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन इट ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन का मतलब क्या जैसे एक रोड इधर से गया एक रोड ऊपर से गया तो ऊपर वाले रोड के जितना भी यहाँ पे कार वगैरह होंगे इनको नीचे वाले से मतलब नहीं रहेगा ऐसा रोड रहे तो उसको ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन बोलेंगे दे कॉज लेस हजार्ड एंड डिले दैन ग्रेड इंटरसेक्शन ये देखिए ये बहुत मतलब कि कम वहाँ पे वो दुर्घटना होते हैं या एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन में ठीक है किसके मायने में तो ग्रेड इंटरसेक्शन के जरिए उसको मतलब क्या कंपेरिजन में ठीक है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू इल्यूमिनेट ऑल ग्रेड क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड टू एकोमोडेट अदर इंटरसेक्टिंग मैन्यूवर बाई मर्जिंग और डाइवर्जिंग द वेविंग एट लो रिलेटिव स्पीड देखिए जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन का ये कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनली ये समझिए इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रोड एंड रिड्यूस द कॉन्जेसेसंस ये क्या करता है कैपेसिटी ऑफ रोड को और ज़्यादा बढ़ा देता है और रिड्यूस कर देता है कॉन्जेसेसंस को रिड्यूस मतलब करने का पीछे क्या बोलने का मतलब है कैपेसिटी ऑफ रोड को बढ़ा देता है जैसे जब एक डायरेक्शन में रोड पे जा रही है गाड़ियाँ दूसरे डायरेक्शन से अगर बोल नहीं कि अगर कॉन्फ्लिक्स नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा कैपेसिटी हो ऑफ रोड और भी ज़्यादा बढ़ सकता है कि अगर नीचे से जा रही है तो नीचे से खाली जाएंगे दूसरा डायरेक्शन से नहीं आएगा तो उसमें क्या होगा एक अच्छे सा स्पीड मेंटेन रहेगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं अब देखिए ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन जो होते हैं इनका टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं इनका टाइप जो है सबसे फर्स्ट अंडर पास इसको अंडरपास को देखिए इस तरह से समझते हैं कि इट इज़ एन अंडरग्राउंड पैसेज वे कम्प्लीटली इंक्लोज एक्सेप्ट एट द ओपनिंग कॉमनली एट इच इंड अंडर पास क्या होते हैं अंडर पास मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा अंडरग्राउंड पैसेज वे होता है मतलब ग्राउंड के नीचे या बोल सकते हैं कि रोड जो बना है उसके लेवल के नीचे ठीक है एक अनदर टाइप में अंडर पास बनाया जाता है जो क्या हर एक ओपनिंग खाली उसको छोड़ा जाता है बाकी सब वो पैक रहता है और टनल में भी फोर फुट और विकुलर रोड ट्रैफिक फॉर रेल ट्रैफिक रेल ट्रैफिक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर और जा कभी कभी रोड के लिए भी किया जाता है इफ़ एन अंडर पास इज कंस्ट्रक्टेड फॉर पेडेस्ट्रियन एंड और साइकिलिस्ट बीनीथ अ रोड और रेलवे अलॉइंग देम टू रीच अदर साइड इन सेफ्टी देन सच अ कंस्ट्रक्शन स्टम एट सब्बे देखिए जब तक कि जो टनल बनाया गया है इस टाइप में ऊपर में रोड है नीचे में इधर से रोड है ठीक है तो ये जो टनल बनाया गया इस टाइप में रोड के लिए तो ये जो टनल बनाया गया तो जब तक ये रोड पे कार वगैरह चलेगा जब तक हम इसको अंडर पास बोलेंगे या इसको बोलेंगे कि ये पैसेज भी है अंडरग्राउंड पैसेज भी है ये वाला ठीक है अगर ये सिर्फ पेडेस्ट्रियन के लिए उपयोग किया जा रहा ये तो है ये ऊपर वाला जिसको हम लोग बोलते हैं सबवे देखिए पेडेस्टियन के लिए ज़्यादातर उपयोग कहाँ किया जाता है स्टेशन आप जाते हैं तो एक जो यहाँ पे जैसे अस्टेशन गए हैं ठीक है हम आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे देखिए स्टेशन गए हैं ठीक है कुछ इस प्रकार आपका यहाँ पे अस्टेशन है ठीक है एक स्टेशन इधर है मान के चलिए कि यहाँ पे आपका ये जंक्शन है ठीक है एक जंक्शन यहाँ पे है आपका ठीक है कुछ इस प्रकार और यहाँ पे ट्रेन आ रही है ठीक है ट्रेन यहाँ पे दो पटरी ऐसे ऐसे करके लगाया गया है मतलब यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार तो ट्रेन जो जाएगी मतलब कि एक पटरी इधर ये दो पटरी है तेरी ट्रेन तो इधर वाला पटरी पे जा रही है ठीक है आपको इस स्टेशन तक पहुँचना है तो इसके लिए क्या होता है यहाँ पर एक स्टेयर केस बनाया जाता है कुछ इस प्रकार जो यहाँ से आपका स्टेयर केस रहेगा आपको क्या कब पेवल करा देगा क्या यहाँ से आप ट्रैवल करके इस स्टेशन तक पहुँच जाए तो इस टाइप में अगर बनाया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सबवे वे ये हाईवे पर भी बनाया जाता है हाईवे पर पेडेस्ट्रियन के लिए और रेलवे में उपयोग किया जाता है तो आप समझ गए होंगे कि सबवे क्या होता है अंडर पास क्या होता है तो ये दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब देखिए ओवर पास क्या होता है इट इज ऑल्सो नोन एज ए फ्लाई ओवर इज अ ब्रिज रोड रेलवे और सिमिलर स्ट्रक्चर दैट क्रॉसेज ओवर अनदर रोड और रेलवे देखिये इसको बनाने के लिए क्या बोलने का मतलब क्या है ओवर पास मतलब क्या कि एक ऐसा फ्लाई ओवर टाइप के होता है कि मतलब रोड नीचे है ऊपर से अनदर रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको फ्लाई ओवर बोलेंगे और इज अ ब्रिज ये एक ब्रिज की तरह मतलब रोड रेलवे सिमिलर स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवर पास ओवर पास मतलब क्या नीचे भी रोड है ऊपर भी रोड है इसको हम लोग बोलेंगे ओवर पास जैसे यहाँ पे आप देखिए कि एक रोड नीचे से रोड बनाया गया है उधर से यहाँ से फ्लाई ओवर टाइप में तो ये बड़े बड़े शहरों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्लाई ओवर बहुत सारा फ्लाई ओवर बनाया जाता है तो अब अगर पटना देखें पटना रांची दिल्ली ये सब मुंबई ये सब में ज़्यादातर ओवर पास बनाया जाता है जिसको हम लोग फ्लाई ओवर बोलते हैं ओवर पास के ही नाम फ्लाई ओवर बोल सकते हैं अ पेडेस्ट्रियन ओवर पास लॉज पेडस्ट्रियन सेप उट इक्टिंग ट्रैफिक जैसे मान के चलिए ये एक रोड है ठीक है तो यहाँ पे इस टाइप में पेडस्ट्रियन ओवर पास बनाया जाता है तो इसमें क्या होगा किधर चा पाइए तो ये हाईवे टाइप में ज्यादातर बनाया जाता है हाईवे एक्सप्रेस वे में क्रॉसिंग के लिए क्रॉसिंग के लिए ऊपर में इस टाइप में स्टेयर केस बना दिया जाता है ताकि जो भी पैसेंजर जो भी वहाँ पे ह्यूमन बींग्स होंगे वो इधर से ट्रेवल करके अपना इस साइड में आ सकें उसके बाद देखिए एंड रेलवे ओवर पास आर यू टू रिप्लेस एट ग्रेड क्रॉसिंग एज अ सेफर अल्टरनेटिव रेलवे ओवर पास में भी इस्तेमाल किया जाता है ओवर पास का फिर ओवर पास अलाउ

से इम्पैक्ट नहीं होगा नीचे वाले पे तो इस टाइप में ओवर पास भी बनाया जाता है तो उसको तो हम लोग ओवर पास का मतलब समझिए कि नीचे रोड है उसके ऊपर में भी फ्लाई ओवर टाइप में रोड बनाया गया है फिर देखिए ट्रम्पेट इंटरचेंज सबसे आगे फिगर समझिए ट्रम्पेट इंटरचेंज कैसे होता है देखिए ट्रम्पेट इंटरचेंज मतलब क्या कि जैसे रोड इधर से जा रही है ठीक है इस स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से समझ में आएगा ट्रम्पेट इंटरचेंज देखिए यहाँ पे जो इस टाइप में यहाँ पे फिगर आपको दिख दिख रहा होगा जो ये रोड देखिए नीचे से बनाया गया है और नीचे से बना हुआ जो रोड है तो इधर से एक और रोड जा रहा है तो ये एक रोड डायरेक्ट आप यहाँ से इस पे आ सकते हैं या ट्रम्पेट इंटरचेंज के जरिए इधर से घूम के इस रोड पे आ सकते हैं ती होता है ट्रम्पेट इंटरचेंज मतलब डायरेक्टली आपको रोड तक नहीं पहुंचा के क्या थोड़ा सा घुमाएगा ताकि जो वर्टिकल में आपका जो डिस्टेंस है उसको कम कर सके या बोल सकते हैं स्लोप को कम करें ताकि आपको वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो जैसे समझिए कि इसका जो ये जो रोड आ रहा है ये रोड ये रोड इतना ज़्यादा हाइट पर है और मिनिमम जो रोड है यहाँ है तो अगर आपको ये घुमा के थोड़ा नहीं लाएगा जब तक ये घुमा के थोड़ा सा अपना ये वाला डिस्टेंस कम नहीं करेगा आपको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कर देगा तो ऐसे में ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाएगा जिसके कारण ही ट्रैम्पेट इंटर एक्सचेंज को बनाया जाता है इंटरचेंज को बनाया जाता है ताकि जो क्या हो एक्सीडेंट वगैरह सब बच सके तो ट्रैम्पेट इंटरचेंज का फिगर देख लिए होंगे समझ गए अब देखिए इसको हम लोग बारे में देखते हैं कि इट इज़ यूड वेयर वन हाईवे टर्मिनेट्स एट अनदर हाईवे ये कहाँ पर उपयोग किया जाता है कि जहाँ पे एक हाईवे खत्म होता है दूसरा हाईवे से उसको जोड़ना है तो वहाँ पे ट्रम्पेट इंटरचेंज का उपयोग किया जाता है दे आर ट्रम्पेट सेफ्ट इंटरसेप्शन इंटरसेक्शन वो सब ट्रम्पेट इंटरसेक्शन में होते हैं दीज इन्वॉल्व एट लीस्ट वन रू लूप रैम्प कनेक्टिंग टू ट्रैफिक आइदर इंटरिंग और लिविंग द टर्मिनेटिंग एक्सप्रेस वे विद द फॉर लेंस ऑफ़ द कंटिन्यूज हाईवे अगर एक हाईवे ख़त्म हो रहा है तो उसको दूसरा हाईवे से जोड़ने के लिए काम होता है अगर एक हाईवे से आपको दूसरा मतलब के डायरेक्शन में जाना है तो उसके लिए भी ट्रम्पेट का आप यूज कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट उस हाईवे से अनदर पे पहुंच जाइए तो ट्रम्पेट आर सुटेबल एट द लोकेशन भी द साइड रोड एग्जिस्ट ऑन वनली वन, वन साइड ऑफ द फ्री वे एंड ट्राफिक इस रिलेटिवली लो ट्रम्पेट कहाँ उपयोग किया जाता है मतलब बोलते हैं ट्रमपेट इस तरह से उपयोग किया जाता है जहाँ पे एक साइड के लिए ये ट्रैफिक जो हो वहाँ पे एक साइड में जा रहे एक साइड फ्री हो तीस ट्रप में ट्रम्पेट उपयोग किया जाता है ताकि क्या हो कि वहाँ पे उसका जो प्रिंसिपल है वो अच्छे से काम कर सके वर्क कर सके और वहाँ पे ट्रैफिक लो होना चाहिए द प्रिंसिपल एडवांटेज आर लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड आर यूजफुल फॉर हाईवे एज वेल एज टूल रोड्स देखिए जो ये प्रिंसिपल एडवांटेज जो इसका है वो लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम लगता है और ये हाईवे और टोल रोड में भी इसका उपयोग करते हैं टोल रोड में तो आप समझते होंगे कि जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो टोल रोड वहाँ पे बनाया जाता है टोल रोड का मतलब क्या जहाँ पे टोल टैक्स लिया जाता है तो इस में उसको हम लोग बोलते हैं टोल रोड तो वहाँ पे भी ट्रम्पेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायमंड इंटरचेंज डायमंड इंटरचेंज मतलब क्या कि ये एक मतलब डायमंड में कैसे बहुत सारा पॉइंट होता है हर एक पॉइंट के जरिए उसको डायमंड को बनाया जाता है बहुत सारा पॉइंट उसमें दिखता है तो उसी टाइप में इसमें क्या होता है आप फिगर से समझिए अच्छा से कि इसमें देखिए बहुत सारा रोड से क्या होगा ट्रम्पिट इंटरचेंज मतलब हर एक रोड से आप चेंज करके दूसरा रोड पर जा सकते हैं कि जैसे देखिए ये रोड है ये रोड से आप इस रोड पर जा सकते हैं या एक रोड से आप इधर से आ सकते हैं इधर से एक्सचेंज कर सकते हैं समझ रहे हैं बात को उसके बाद में आप इधर से जा रहे हैं तो इधर से आप जाते समय इधर जा सकते हैं डायरेक्टली या इधर से मुड़ के फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं तो डायमंड इंटरचेंज में आप बहुत सारा मतलब रोड पे चेंज करें तो उसको हम लोग डायमंड इंटरचेंज बोलते हैं इसका डिफिनेसन आप देखिए फिगर से समझ गए होंगे देखिए फिगर एक बार अच्छे से नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके अब इसके बाद देखते हैं इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन बिटवीन टू रोडवेज ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन होता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन का दो रोड के बीच में द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थ्रू रोड एंड क्रॉसिंग ट्राफिक आर इलिमिनेटेड बाई ए ब्रिज इस्ट्रक्चर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्रॉसिंग पे वो क्या होता है ब्रिज इस्टचर बनाने से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं द लेफ्टॉसिंग मूमेंट कॉन्फ्लिक्ट आर कंसर्टिवली रिड्यूस बाईल द कॉन्फ्लिक्ट विद द ट्राफिक इन अपोजिट डायरेक्शन देखिए जो लेफ्ट में यहाँ पे प्रॉब्लम होगा वो भी यहाँ से खत्म हो जाएगा कि यहाँ वाला अपना इधर से चल जाए इधर वाला अपना इधर से आ जाए तो समझ रहे हैं तो इस टाइप में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं डायमंड इंटरचेंज में इट रिक्वायर्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ लैंड इज इकोनॉमिकल टू कंस्ट्रक्ट ये जो होता है इकोनॉमिकल होता है कंस्ट्रक्शन में द सिंगल पॉइंट ऑफ एक्जिट फ्रॉम द मेजर रोडवे इज द प्रॉब्लम ऑफ सिंगिंग सिंगनिंग सिग्निंग देखिए इसका जो सिंगल पॉइंट होता है एग्जिट का उसका जो पॉइंट होता है सिंगल पॉइंट एग्जिट का होता है तो ये इसका क्या होता है इसका मेजर रोडवे में यहाँ पे मौजूद होता है तो ये एक प्रॉब्लम वहाँ पे होता है साइनिंग में बस कि इसमें सिंगल पॉइंट में आप वहाँ पे यहाँ से आपको जाना होता है तीस टाइप में आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे सिंगल इंटरचेंज होता है ऐसे करके कि यहाँ रोड वाला कि इधर जाना है तो यह वाला को ऐसे तो ये इंटरचेंज के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बस उसके बाद में देखें क्लावर लीफ इंटरचेंज क्लावर लीफ इंटरचेंज क्या होता है ये देखिए क्लावर इंटरचेंज में क्या होगा कि मतलब इस टाइप में इसका बनाया जाता है कि ताकि जो ये शेप में इसका कुछ फिगर होता है कि जैसे रोड जा रहा है दो रोड ऐसे ऐसे तो एक रोड के जैसे आपको इससे कनेक्ट होना है तो ये रोड से ऐसे मुड़ के आप जाइए इससे कनेक्ट हो जाइए और उसके बाद में ये रोड से जाना है तो आप ऐसे करके कनेक्ट होते हैं या ये इससे डायरेक्टली तो यहाँ से लेते आपको मिल देगा तो ये कलवर लिफ्ट टाइप मतलब बनाया जाता है इसको एक पत्ते का कार इसीलिए इसको कलवर लिप बोला जाता है मेनली फिर कलवर लिफ्ट इंटरचेंज इज़ ए टू लेवल इंटरचेंज इन विच लेफ्ट टर्न्स आर हैंडल्ड बाय रैंप रोड रोड्स जो इसको क्लैलिफ इंटरचेंज होते हैं टू लेवल इंटरचेंज होते हैं इनमें लेफ्ट रैंप रोड्स के जरिए हैंडल किया जाता है टू गो लेफ्ट व्हीकल्स फर्स्ट कंटिन्यू एज वन रोड ओवर और अंडर द अदर देन एक्सट राइट इन टू वन वे थ्री फोर्स लूप रैम्प टू हंड्रेड सेवेंटी डिग्री एंड मर्ज ऑन टू द इंटरसेक्टिंग रोड तो देखिए अगर आपको लेफ्ट जाना है तो फर्स्ट आपको कंटिन्यू करना होगा रोड को और उसके बाद में और अंडर द अदर देखिए टू गो लेफ्ट व्हीकल्स फर्स्ट कंटिन्यू एज वन रोड पासिस अदर देखिए जैसे आपको लेफ्ट टर्न करना है तो लेफ़्ट टर्न करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसमें से एक रोड आपको इधर जाते रहेगा एक रोड से आप टर्न करके यहाँ पहुँच सकते हैं तो अगर आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है तो ऐसे करके भी पहुँच सकते हैं तो क्लावर लिफ्ट में कुछ इस प्रकार फिगर बनाया जाता है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है क्लावर लिफ्ट का द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लावर लिफ्ट इज टू अलाउ द अलाउ टू हाईवेज टू क्रॉस विदाउट द नीड ऑफ़ फोर एनी ट्राफिक टू बी स्टॉप्ड बाई रेड लाइट्स इवन फॉर लेफ्ट एंड राइट टर्न इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि क्लावर लिफ्ट का हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हाईवे का हो बिना कोई ट्रैफिक सिग्नल के उपयोग के ही वहाँ पे लेफ्ट टर्न और राइट टर्न आसानी से हो सके द लिमिटिंग फैक्टर टू इन द कैपेसिटी ऑफ क्लबलिप इंटरचेंज इस ट्राफिक वेविंग जो इसमें लिमिट क्या है इसका फैक्टर क्या है तो जो इसका कैपेसिटी होता है वो ट्रैफिक वेविंग मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस टाइप में क्ल्फरलिफ को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में एक होता है पार्शियल लिफ पार्शियल पार्सियल लिफ ये फिगर देखिए कि पार्शियल पारसियल लिफ कुछ इस प्रकार बनाया जाता है और उसके बाद एक होता है डायरेक्शनल इंटरचेंज देखिए तो डायरेक्शनल इंटरचेंज में कुछ इस प्रकार फिगर होता है तो हम ये दोनों का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं देखिए पार्शियल कलवर लिफ इंटरचेंज क्या होता है इट इज़ अ मोडिफिकेशन दैट कम्बाइन सम एलिमेंट्स ऑफ अ डायमंड इंटरचेंज विथ वन और मोर लूप्स ऑफ अ कलवर टू एलिमिनेट वन द मोर क्रिटिकल टर्निंग ये एक मोडिफिकेशन होता है क्लवर लिफ्ट का ही जिसमें क्या होता है कि वन और मोर लूप को जोड़ा जाता है दो और ज़्यादा लूप को जोड़ा जा, जाता है ताकि क्या हो वो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो तो देखिए डायमंड इंटरचेंज में क्या था कि एक ही लुफ था जो यहाँ से डायरेक्टली जोड़ता था लेकिन इसमें क्या होता है कि एक और लूप को बनाया जाता है जो यहाँ से रहता है कि वो रोड से जोड़ सके तो ये इसमें दो से ज्यादा मतलब और भी लूप को जोड़ा जाता है ताकि तो जो कॉन्फ्लिक्ट हो खत्म हो सके दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फ्री वे टू आर इंटरचेंज ये मोस्ट पॉपुलर फ्री वे होता है जिसमें आर इंटरचेंज होते रहते हैं इट इज़ यूजली एम्प्लॉयड वेन क्रॉसिंग रोड ऑन द सेकेंड्री रोड विल नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव नेबल अमाउंट ऑफ हजार्ड एंड डिले ये मेनली यूजली इम्प्लॉइड होता है मतलब इनमें बहुत सारे रोड के लिए उपयोग किया जाता है जिनमें सेकेंडरी रोड को वहाँ पर ऑब्जेक्टिव ज... नहीं उतरना लिया जाता है जो अमाउंट ऑफ हजार्डर्स होता है वो वहाँ पर कम होते हैं जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हजार्डर्स के लिए कम करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ इट प्रोवाइड मोर एसलरेशन एंड डिसलेन स्पेस ऑन द फ्री फ्री वे ये मोर एसलरेशन मतलब यहाँ पे ज़्यादा स्पीड देते हैं रोड व्हीकल्स को और डिसलेट करते हैं वहाँ पे स्पेस को कि वहाँ पे ज़्यादा देर कोई भी गाड़ियाँ नहीं रोकते तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में आपको जाना है तो ये क्लबर लिफ अगर बनाया गया है पार्सियल क्लबर लिफ तो वहाँ से आप जा सकते हैं फिर होता है डायरेक्शनल इंटरचेंज डायरेक्शनल इंटरचेंज प्रोवाइड डायरेक्ट फॉर लेफ्ट डायरेक्शन में इंटरचेंज प्रोवाइड करता है डायरेक्ट बाथ लेफ्ट टर्न के लिए दीज इंटरचेंज कंटेन रैंप्स फॉर वन और मोर डायरेक्ट और सेमी डायरेक्ट लेफ्ट टर्निंग मूवमेंट ये सब इंटरचेंज जो होते हैं ये सब वो एक से ज़्यादा रैंप का उपयोग करते हैं दे आर द बेसिक पैटर्न दैट यूज दिएस्ट स्पेस ऑफ द फ्यूएसट और लियस्ट कॉम्प्लैक्स स्ट्रक्चर मिनिमाइज इंटरनल वेविंग एंड अप्रोप्रिएट फॉर द कॉमन ट्रेन एंड ट्रैफिक कंडीशन ये जो बेसिक पैटर्न जो बनाया जाता है तो ये कम स्पेस में लिया जाता है और इसमें जो फ्यूएसट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि जो ये मिनिमाइज कर सके वेविंग का मतलब यहाँ पर जो ज़्यादा गाड़ियाँ है उस उसको कम कर सके कि जिसको जिधर जाना है वो आपको अगर एक रोड से जाना है तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं न उसके आगे भी आपको वहाँ पे मिलेगा रोड तो उससे आप जाकर मुड़ सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कुछ इसका डायरेक्शनल इंटरचेंज का फिगर इसका लिमिटेशन देखिए हाई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन इसका जो कॉस्ट होता है कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा होता है इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड कम्पेयर टू द अदर्स इसका जो अमाउंट होता है लैंड का वो ज़्यादा होता है लेकिन इसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है वो लेस होता है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वो कम होता है तो देखिए कुछ इस प्रकार ये होते हैं कि जैसे ये रोड है तो अगर आपको सीधे जाना है तो इससे जा सकते हैं या इससे जा सकते हैं लेकिन अगर आपको मुड़ के दूसरे डायरेक्शन में जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं या आपको मुड़ना है, मुड है तो यहाँ से आप ऐसे करके मुड़ के इधर जा सकते हैं तो इस टाइप में ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए इस टाइप का रोड को बनाया जाता है इसके बाद देखिए ग्रेड इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन इज़ एन एट ग्रेड जंक्शन भी टू और मोर रोड और स्ट्रेट मीट और क्रॉस एट सेम लेवल ग्रेड इंटरसेक्शन क्या होता है ग्रेड इंटरसेक्शन सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि ग्रेड एट इंटरसेक्शन जो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन में क्या होता था दो रोड क्रॉस कर रहा है अपने एक दूसरे को तो दूसरे लेवल पर होता था मतलब तो जैसे एक जैसे एक ग्राउंड पे है तो एक होगा टेन मीटर उसके ये तो ऐसे करके या पर और ज़्यादा एव वर्टिकल डिस्टेंस में दूसरा रोड होगा तो लेकिन ग्रेड इंटरसेक्शन क्या होता है दोनों सेम लेवल पे होता है तो एन इंटरसेक्शन इज एन एट ग्रेड जंक्शन भी टू और मोर रोड्स और स्ट्रीट मीट और क्रॉस एट सेम लेवल इसमें दोनों रोड जो होगा सेम लेवल में क्रॉस करेगा इसका जो क्लासिफिकेशन होता है तीन प्रकार में होता है एन चैनलाइट का इंटरसेक्शन चैनलाइट इंटरसेक्शन और रोटरी इंटरसेक्शन रोटरी के बारे में आप पहले ही जाने थे फिगर देखें तो और भी हम आपको बताएंगे अब देखिए चेनलाइज इंटरसेक्शन क्या होता है व्हीकिल अप्रोचिंग एन इंटरसेक्शन आर डायरेक्टली टू डि डिफिनिट पाथ बाई आइजलैंड मार्किंग इट इज एंड दिस मेथड ऑफ़ कंट्रोल इज कॉल्ड चेनलाइजेशन देखिए व्हीकिल जो तो क्रॉस करता है जैसे हम आपको बताएं थे कि कुछ फिगर को भी दिखाए थे उसमें क्या होता है कि जो भी इंटरसेक्शन वहाँ पर बनाया जाता है आइजलैंड वगैरह बनाया जाता है ताकि जो दूसरा रोड को प्रॉब्लम नहीं कर सके कुछ इस प्रकार में हम आपको बताएं थे कि यहाँ पे आइजलैंड टाइप में बनाया जाता है कि इधर वाला रोड को इधर जाते रहे इधर वाला गाड़ियाँ इधर आते रहे तो इसमें क्या होता है कि इधर वाला ट्रैफिक को इससे प्रॉब्लम नहीं होगा तो इस टाइप में बनाया जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे चैनलाइट इंटरसेक्शन इट प्रोवाइड मोर सेफ्टी एंड एफिसियंसी ये ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है और ये ज़्यादा इफिशियंट ये रोड होता है इट रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट बाई रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अवेलेबल इन द कैरिंग वे ये जो होता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है बाई क्या उसका जो एरिया को कम करता है कैरीगे का उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे कम होते हैं द प्रजेंस ऑफ ट्राफिक आइजलैंड मार्किंग इट इज फोर्सेज द ड्राइवर टू रिड्यूस द स्पीड एंड बिकम्स मोर द इंटरसेक्शन देखिए जब यहाँ पे जब इंटरसेक्शन जब क्रॉस करते हैं तो ड्राइवर को मार्किंग आइजलैंडस ये सब वहाँ पर उसको फोर्स करता है फोर्स करने का मतलब क्या है उसको एक अब मतलब फिक्सड में उसको वहाँ पे होता है कि आप कम कर देना चाहिए स्पीड कम नहीं किए तो यहाँ पे आइजलैंड्स वगैरह हैं जिससे क्या हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है जिसके चलते वो इंटरसेक्शन पे स्पीड कम कर देते हैं इट आल्सो सर्व्स एज ए रेफ्यूज फॉर पेडेस्ट्रियन एंड मेक्स पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सेफर ये चैनलाइजेशन पेडेस्ट्रियन को हेल्प करता है एक तरह से एक दूसरे एक रोड से दूसरे रोड के उस पार तक जाने में या दूसरे साइड तक जाने में चैनलाइजेशन कुछ इस प्रकार होते हैं कि जैसे देखिए ये जो यहाँ पे बनाया गया है तो यहाँ पे आइसलैंड्स वगैरह बना दिया जाता है आइसलैंड बनाने के चलते क्या होता है दोनों ट्रैफिक से आप लोग छुटकारा रहेगा ऑपरस्ट्रियन टाइप में बनाया जाता है उसके बाद में अन चैनलाइड इंटरसेक्शन अनचैनलाइड इंटरसेक्शन का आप देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार फिगर होते हैं इनमें क्या होता है इनमें ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल किया जाता है जो क्या करता है बताता है कि जैसे ट्रैफिक लाइट लगा हुआ होगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार या ये, ये पोल है यहाँ पे बताया जाएगा तो इस पर बताया जाएगा कि कब इस रोड के इधर जाना है या इस रोड के इधर जाना है तो इस प्रकार में आपको वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल के जरिए दिखाया जाएगा तो ये अन चैनलाइज इंटरसेक्शन होते हैं दे आर द लोवेस्ट क्लास ऑफ इंटरसेक्शन इज जी एस टी इन द डिजाइन बट मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन द ट्राफिक ऑपरेसर रिजल्टिंग इन मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट एरिया एंड मोर नंबर ऑफ एक्सीडेंट अनलेस कंट्रोल्ड अनलेस कंट्रोल बाई द ट्राफिक सिग्नल और पुलिस ये लोवेस्ट क्लास ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं इनमें ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट और इनमें एक्सीडेंट के संभावना होते हैं जब तक कि सिग्नल या पुलिस वहाँ पे नहीं रहे ट्रैफिक सिग्नल रहेगा और पुलिस अगर वहाँ पे रहेंगे तो उनमें क्या होगा कि उससे क्या होगा कि वहाँ पे रिजल्ट होगा कि एक्सीडेंट वगैरह कम जाएगा टाइम चैनल लाइट चक्शन में एक्सीडेंट ज़्यादा होने के चांस होते हैं भेन नो एडिशनल पेमेंट विथ फॉर टर्निंग मोमेंट इज़ प्रोवाइडेड इट इज़ कॉल्ड प्लेन इंटरसेक्शन अगर कोई भी एडिशनल पेमेंट नहीं है टर्निंग पे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन इंटरसेक्शन बट द बट भेन द पेमेंट इज वाइड एट द इंटरसेक्शन एरिया बाई ए ट्रैफिक लेन और मोर इट इज नोन एज फ्लेड इंटरसेक्शन अगर कोई दूसरा पेमेंट नहीं बना है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन इंटरसेक्शन अगर दूसरा पेमेंट बन गया है या कोई दूसरा ट्रैफिक लेन बना है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेड इंटरसेक्शन अब उसके बाद देखिए थर्ड में हम आपको बताएंगे रोटरी इंटरसेक्शन एक टाइप होता है तो इसका फिगर आप समझिए सबसे फर्स्ट कि रोटरी इंटरसेक्शन कुछ इस प्रकार होते हैं कि इनमें सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे आइजलैंड्स दिख रहे होंगे कि आइजलैंड्स यहाँ पे बना दिया जाता है इंटरसेक्शन कुछ इस प्रकार होते हैं ताकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कम हो सके जिसके लिए यहाँ पे आइजलैंडस का उपयोग किया जाता है तो ये देखिए आपको इस डिफिनेशन हम बताते हैं कि द रोटरी इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रैफिक रोटरी बीच इज नथिंग बट इन लार्ज इंटरसेक्शन ऑफ रोड वेयर द व्हीकल क्रॉस रोड और चेंज देयर डायरेक्शन विदाउट स्टॉपिंग रोटरी इंटरसेक्शन क्या होते हैं एक ऐसा रोड होते हैं जिसको हम लोग ट्रैफिक रोटरी के नाम से जानते हैं और ये क्या होता है नथिंग बट ये मतलब कि एक ऐसा इंटरसेक्शन होते हैं कि जब इंटरसेक्शन के एरिया को हम लोग बढ़ा देते हैं उस एरिया को बढ़ाते हैं इस प्रकार कि वहाँ पे जो भी व्हीकल ट्रैवल करेंगे तो ये बिना कोई रुकावट के बिना स्टॉप किए अपना गाड़ी को वो दूसरे डायरेक्शन में जा सकते हैं अपना ही स्पीड में ऑल व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रोड मूव इन सिंगल डायरेक्शन अराउंड द सेंट्रल लाइज लाइन एंड डाइवर्जेज इनटू रिक्वायर्ड एग्जिट देखिए जितना भी जो व्हीकल्स होंगे वो डिफरेंट रोड से आएंगे जो उसी जो वहाँ पे रोटरी जो बना हुआ है तो वो सेंट्रल आइजलैंड पे आएंगे उसके बाद में उसको जिस डायरेक्शन में जाना है वहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगे तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे जिसको जहाँ जाना है वो उस टाइप में वहाँ पे वो मुड़ जाएंगे यहाँ पे आप समझ सकते हैं तो रोटरी आइजलैंड आप समझ गए होंगे अब इसके अगले दिन हम आपको इसके आगे वाला टॉपिक के बारे में कुछ देखेंगे सो so इस वीडियो में यहाँ तक ही हम लोग खत्म करेंगे रोटरी आइजलैंड तक सो थैंक यू फ्रेंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू ऑल योर कलिग्स एंड योर फ्रेंड्स And do like and share, please. Thank you all.